जादुई आम। एक गांव में आकाश नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंदा, बेटी श्वेता और छोटे बेटे आनंद के साथ रहता था। श्वेता उसकी पहली पत्नी की संतान थी। मूलचंद की पत्नी चंदा अपने बेटे आनंद को सर आंखों पर बिठाती थी, लेकिन उसे उसकी सौतेली बेटी श्वेता फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। राम राम राम, श्वेता तू मेरे सामने सवेरे सवेरे मत आया कर। सबसे पहले तेरा चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। तू बड़ी ही मनहूस है, जा सारे घर की सफाई कर दे। श्वेता दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर वहाँ से चली जाती है। मम्मी, कहती हो राम राम और करती हो ऐसा काम। मेरे राजा बेटा, बताओ मैंने क्या किया? अभी अभी आपने आओ देखा ना ताओ और मेरी दीदी को मनहूस कह दिया। मैं तो अपनी प्यारी दीदी का चेहरा रोज देखता हूँ और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। हाय राम, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम नहीं जानते, जब यह पैदा हुई थी तब जैसे ही इसकी माँ ने इसका चेहरा देखा तुरंत मर गई। तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई, अब इसे मनहूस ना कहूँ तो क्या कहूँ? मम्मी, जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। पापा की नौकरी चली गई थी तो दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई, उसमें दीदी का क्या कसूर है? राम राम राम, पता नहीं तुम्हें उस नालायक ने क्या घुट्टी पिला दी है जो उसका ही गुणगान गाते रहते हो। इतने में आनंद के पापा आकाश आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, आओ ये लो आम, शान से खाओ। अरे वाह, पके हुए रसीले आम। मम्मी बोलो राम राम। राम राम राम, इतने सारे आम? गिनती मत करो, खाते जाओ खाते जाओ। आकाश ने कुछ आम रख कर बाकी सारे आम बच्चों में बांट दिए। आनंद आम का रस चूसने लगा। दीदी आप भी खाइए, बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। श्वेता, बेटे को नजर लगाएगी क्या? जा घर का बाकी का काम कर ले। आकाश ने श्वेता को आम खाने का इशारा किया, लेकिन वह बेचारी काम करने लग गई। आनंद ने कई आम खाए और श्वेता से आम मांगने लगा। श्वेता ने अपने पास के सारे आम आनंद को दे दिए। कुछ देर के बाद, दीदी मैंने तो बहुत आम खा लिए, आपने एक भी आम नहीं खाया। कोई बात नहीं भैया, तुमने खा लिया या मैंने खा लिया, बात तो एक ही हुई ना। नहीं नहीं, मैं कल आपको पेट भरकर आम जरूर खिलाऊंगा। अरे नालायक, अब मुंह क्या देख रही है, जा आम की सारी गुठलियाँ बाहर फेंक दे। श्वेता आम की गुठलियों को लेकर अपने घर के पीछे बगीचे में चली गई। उसने सारी गुठलियों को कुछ दूर एक जमीन में गाड़ दिया और दुखी होकर पास में बैठ गई। उसकी आंखें भर आई थीं। कुछ ही देर में एक बहुत सुंदर परी वहां आकर प्रकट हुई। श्वेता गुड़िया, अपने चेहरे से उदासी को हटा दो, मैं तुम्हारी सारी परिस्थिति को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और ईमानदार हो, यह जो तुमने आम के बीज बोए हैं यह सभी चमत्कारी जादुई आम के पेड़ बन जाएंगे। वही पेड़ों पर फलने वाले आम तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे। अपने आंसू पोंछ लो और निश्चिंत होकर घर जाओ। श्वेता ने परी के आगे धन्यवाद कहते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। परी आशीर्वाद का हाथ उठाकर आकाश में उड़ते हुए चली गई। श्वेता घर लौट आई। राम राम राम, घर में इतना सारा काम पड़ा है और साहबजादी अब आ रही है। मम्मी, मेरी प्यारी दीदी को कुछ मत कहो, उनकी तकलीफ यानी मेरी तकलीफ है। आपको मालूम है, उन्होंने अपने सारे आम मुझे खिला दिए और मैं सबसे बड़ा पेटू खा भी गया। अब मुझे तकलीफ हुई तो काढ़ा भी वही पिलाएंगी। अरे मेरा पेट। क्या हुआ भैया? अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं ठीक हूँ। मारूंगी तुझे पकड़कर। हाँ मारो दीदी, मैंने कभी आपकी मार नहीं खाई। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। दो दिन के बाद श्वेता घर के पिछवाड़े बगीचे में चली गई। उसने देखा आम के बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ चारों तरफ उग गए हैं। हे भगवान, यह तो चमत्कार है, परी रानी के आशीर्वाद से सचमुच बहुत सारे आम के पेड़ उग गए हैं। अब तो यह धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और इसमें बहुत सारे आम के फल लग जाएंगे, चारों तरफ आम ही आम हो जाएंगे। इतने में श्वेता की सौतेली माँ चंदा आ गई। क्यों रे कामचोर, यहाँ क्या टाइम पास कर रही है, यह आम के पेड़ किसने लगा दिए? मम्मी मैंने लगाए थे, बहुत जल्दी ही बड़े हो रहे हैं। झूठी कहीं की, दो दिन में पौधा तैयार होता है क्या कहीं? जा जल्दी अपना काम पूरा कर। कुछ महीने बीत गए, बगीचे के आम के पेड़ बहुत बड़े हो गए।
उसमें बौर भी फूलने लगे। आकाश के घर के लोग उन्हें देखकर बहुत अचंभित हो गए। इतने सारे आम के पेड़ और इतनी जल्दी से बड़े हो गए, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। बाप रे बाप, कितने बोर लग गए हैं, इतने आमों से तो अपना घर भर जाएगा। अब तो मेरा भैया खूब आम खाएगा। सबसे पहले ये पेटू दीदी को खिलाएगा और इसके बाद खुद खाएगा, इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन आकाश दुखी होकर घर में आए। श्वेता पानी का ग्लास लेकर आ गई। क्या बात है पापा, आज आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। बेटा, हमारे कंपनी में एम्प्लॉय की छटनी हो रही है, मेरा भी नंबर लग गया है। अब नौकरी नहीं रही तो गाड़ी कैसे चलेगी। राम राम राम, आज सवेरे किसका मुंह देखकर उठे थे? याद करो, सुबह तो तुमने ही मुझे उठाया था। चंदा का मुंह छोटा हो गया। पापा आप चिंता मत करो, अब आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, अब आम का व्यापार होगा, सबका सपना साकार होगा। कुछ देर के बाद हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने तूफान का रूप ले लिया। ये बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, सारे खिड़कियां बंद कर दो। तूफान बढ़ता चला गया और उसने चारों तरफ तबाही मचा दी। आम पर लगे हुए तमाम बौर तूफान में भेंट चढ़ गए। रही सही कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी। तूफान के जाने के बाद श्वेता ने पिछवाड़े के बगीचे में जाकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारे पेड़ के बौर नष्ट हो चुके थे, आम के व्यापार का सपना टूट गया। दीदी दिल छोटा मत करो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। हमें यकीन है एक दिन बाहर आएगी, चमन खिजा में कभी हौसला नहीं खोता। दो दिन के बाद आनंद बगीचे में गया और वहाँ का दृश्य देखकर अचंभित हो गया। सारे पेड़ों पर बहुत सारे बौर फिर से आ गए थे। वह दौड़कर घर में गया और सबको बताया। आप सभी पिछवाड़े वाले बगीचे में जाकर तो देखिए, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। आकाश के साथ सभी लोग जब बगीचे में पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। आनंद तो नाचने लगा। सारे आम के पेड़ों पर अनगिनत बौर लटक रहे थे। दीदी दीदी तुसी ग्रेट हो जी, कौन सा जादू चलाया है देवी, ये कैसा चमत्कार है। श्वेता ने सबको परी के बारे में बताया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। कुछ ही दिनों में बहुत सारे आम के फल पेड़ों पर लग गए। चारों तरफ आम ही आम नजर आने लगे। सभी आमों के पकने का समय हो गया। आकाश और आनंद ने मिलकर मजदूरों की सहायता से बहुत सारे आम तुड़वा लिए। उन्होंने आम का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया और लाखों रुपए कमाए। अब आकाश को किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं रही। राम राम राम, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने अपनी बिटिया श्वेता को बहुत बुरा भला कहा। वह हमारे घर के लिए सबसे अधिक शुभ निकली, उसी की कृपा से मेरी दुनिया पूरी तरह से आबाद हो गई। बिटिया श्वेता मुझे माफ कर दो। मम्मी आप क्षमा मत मांगिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चंदा ने आगे बढ़कर श्वेता को गले लगा लिया। आनंद के आनंद की सीमा न रही। आकाश की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए।